आज हम बात करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर, और देखेंगे कि अल्जेब्रा के अंदर ये टर्म दोनों किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी, एक पर्सन है ए, ठीक है, उसका नेम है ए। ये किसी ऑफिस में या किसी, लेट सपोज किसी ऑफिस में या किसी होटल में किसी जगह पे भी ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, इज वर्किंग। अभी हम यहाँ पे इसको ड्रॉ भी कर देते हैं, ठीक है, एक ऑफिस की तरह की बिल्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर ये जो बंदा है ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, अभी ऑफिस है, यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसको इस ऑफिस के अंदर काम करने के, दिस इज ऑफिस, ठीक है, दिस इज ऑफिस, इस ऑफिस के अंदर काम करने के इसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, इसकी सैलरी है, इसकी तनख्वाह है, जो कि लेट से फर्ज करें 10,000 रुपीज़ है। कितने रुपीज़? 10,000। और प्लस इसको ओवर टाइम के पैसे मिल रहे हैं, ओवर टाइम के पैसे मिल रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ मंथ के एंड पे मुख्तलिफ उसकी सैलरी बनती है। फॉर एग्जाम्पल जो है, एक मंथ में उसने ओवर टाइम लगाया 1,500 का, तो 10,000, 10,000, 10,000 प्लस 1,500, ये उसके पैसे बन गए 11,500, ठीक है, ये इसकी टोटल सैलरी बन गई, ठीक है। किसी और मंथ में, लेट सपोज एक और मंथ में उसकी बेसिक सैलरी 10,000 थी, प्लस उसने ओवर टाइम लगाया 2,000 का, ठीक है, 2,000 का, तो उसको बेसिक सैलरी कितनी मिल गई? 12,000, ठीक है, बेसिक सैलरी रुपीज़ 12,000। ये याद रहे कि सब ये रुपीज़ में हम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 10,000 जो है ये उसकी फिक्स्ड सैलरी है, फिक्स सैलरी है जो कि कांस्टेंट है, जो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। जबकि अगर आप 1,500 को देखें जो उसका ओवर टाइम है, वो हर मंथ में मुख्तलिफ होता है, बिकॉज कभी संडेज को रश हुआ तो उसने संडेज को भी, संडेज को रश है उसको संडेज को भी आके काम करना पड़ रहा है। लेट सपोज रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो संडेज को रश है, संडेज को काम करना पड़ रहा है, कभी लेट नाइट्स जो है वो कस्टमर या क्लाइंट्स आते हैं उस वक्त भी उसको काम करना पड़ता है, तो ओवर टाइम का उसको जो उसका ओवर टाइम मिलता है वो उसको सैलरी के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो हर टाइम, हर मंथ में ओवर टाइम जो है वो चेंज हो रही है, सेम भी हो सकता है लेकिन चेंज भी हो रहा है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जो वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ पे इसकी अगर सैलरी की एक इक्वेशन बनाऊँ तो मैं वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। मैं लिख दूंगा जी कि इसको जो सैलरी मिल रही है वो कितनी है, 10,000, 10,000 प्लस ओ, ठीक है, प्लस ओवर टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल सैलरी, ठीक है, ये इसकी, ये इसका एक्सप्रेशन बन रहा है, टोटल सैलरी यानी मुकम्मल इसकी टोटल तनख्वाह। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लिख सकते हैं जी के 10,000, ठीक है, प्लस जो कि अल्जबरा के अंदर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्स, ठीक है, 10,000 एक्स इज इक्वल टू टोटल सैलरी, टोटल सैलरीज की, ठीक है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बेसिकली हमारे पास जो ये जो 10,000 है, दिस इज कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है। जबकि अगर आप एक्स को देखें, एक्स इज वेरिएबल बिकॉज ओवर टाइम उसका हर मंथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे, तो जब हम एक्स को जनरली डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे जी एक्स इज ए वेरिएबल, ये एक ऐसा वेरिएबल है, ठीक है। हम यहाँ पे, मैं अगर इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि एक्स इज ए वेरिएबल, ठीक है, एक्स इज ए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, या इस तरह से हम लिख सकते हैं, चले हम बोलेंगे जी ए वेरिएबल इज ए सिंबल, ठीक है, बिकॉज हम इसको वेरिएबल कह रहे हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज ए सिंबल, एक सिंबल है जो कि विच रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है जी, विच रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। किस तरह से इस डेफिनेशन को अगर हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आए तो हम यूं बात कर सकते हैं कि हम बोलेंगे जी कि देखें, अगर अगर हम वेरिएबल की यहाँ पे हमने बात की तो हम यहाँ पे इस तरह से बात कर सकते हैं कि लेट सपोज ए अगर एक सेट है तो हम बोलेंगे जी एक्स, सही दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है फर्स्ट 10, यानी अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लिख दूँ, ठीक है, ए के अगर मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ से हमें समझ आ जाएगी कि जो x की वैल्यू है वो इस गिवन वैल्यूज में से कोई भी एक हो सकती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जो चेंज होने के काबिल होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको उस सिंबल को हम वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट के अंदर ऐसी बात नहीं, कांस्टेंट के अंदर हम बात करते हैं जी कि द डोमेन सेट ऑफ 4, लेट सपोज हम बात करते हैं, अगर हम डोमेन सेट ऑफ 4 की बात करें, सेट ऑफ 4 की, तो वो क्या होगी,
वो क्या होगी, 4 ही होगी, बिकॉज कॉन्स्टेंट ऑलवेज जो है वो अपने आप के इक्वल होता है। 4 इक्वल टू 4, ठीक है, 5 इक्वल टू 5, दिस इज वाई हम अगर इसको ये बात हम इसको कहते हैं कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करें, वो भी इस बात को समझा देती है कि हर जो नंबर है रियल नंबर से जो बिलोंग करता है वो अपने आप के अलावा किसी और के इक्वल नहीं हो सकता। ये भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है बात कि जो कॉन्स्टेंट है उसकी जो डोमेन सेट, उसका जो डोमेन सेट होता है वो कॉन्स्टेंट खुद ही होगा। ठीक है, लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं, जो कि गिवन सेट में से, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, और गिवन सेट में से जो जो भी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसलिए अगर आप देखें तो अलजेब्रा के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स हमें देखने को आते हैं, ठीक है, वो आप देखते हैं एक्स वाई जेड अमूमन जो है आप वेरिएबल के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और ए बी सी जो है अमूमन आपका कॉन्स्टेंट के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व भी करते हैं। जैसे हम बात करते हैं जी कि एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, 4x+7 = 2। अब बेसिकली यहाँ पे x इज ए वेरिएबल, यहाँ पे आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे x की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। ठीक है, यानी हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और हम यहाँ पे बात कर देंगे जी 4x+7 = 2, इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4x = 2 - 7, x = -5/4। अब यहाँ पे x = -5/4 के लिए ये इक्वेशन जो है वो होल्ड करती है, इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी, बाकी तमाम के लिए ये इक्वेशन जो है वो ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट था वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का।